नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मलेरिया मुक्त मेवात अभियान का शुभारंभ किया। इसके तहत मेवात के करीबन 2,60,000 लोगों को स्वास्थ्य की जांच का उपचार किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने अपने कार्यालय में इस अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि मलेरिया एक गंभीर बीमारी है और जिसको लेकर के हमारी सरकार ने काफ़ी हद तक नियंत्रण करने का प्रयास किया है। पल पल चंडीगढ़ से विशेष रिपोर्ट। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बुधवार को चंडीगढ़ में मलेरिया मुक्त मेवात अभियान का शुभारंभ किया। इसके तहत मेवात के करीबन 2,60,000 लोगों को स्वास्थ्य की जांच की जाएगी और उनका उपचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा देश को 2030 तक मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, परंतु हमारी सरकार वर्ष 2022 तक राज्य को मलेरिया मुक्त करने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप राज्य में मलेरिया की स्थिति में वर्ष 2015 की तुलना में काफ़ी कमी दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मलेरिया के लगभग 60-70% मामले मेवात क्षेत्र से पाए गए हैं, इसलिए मलेरिया से सर्वाधिक प्रभावित 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में उजीना, सुदका, बाई तथा नोह का चयन किया गया है। ये आज मेवात मलेरिया फ्री का आज कार्यक्रम लॉन्च हमने किया है। वैसे तो सरकार का टारगेट है कि 2030 तक टोटल इंडिया जो है मलेरिया फ्री करना है, उसी की दिशा में ये गतिविधियां शुरू हुई हैं। हमारा इन 5 सालों में हमने मलेरिया पर और डेंगू पर काफ़ी कंट्रोल किया है। 2015 में 9,300 कुछ केसेस थे, जो 2018 में घटकर 1/3 होकर 3,000 कुछ केसेस रह गए हैं, क्योंकि हमने लगातार कंटिन्यूस इसके बारे में स्टेप उठाए हैं। हरियाणा का जो टोटल हमारा मलेरिया के केसेस हैं, उसमें से 60-70% केसेस अकेले मेवात में हैं, इसलिए मेवात को हमने टारगेट जिला मानते हुए मलेरिया मुक्त मेवात MMM मलेरिया मुक्त मेवात कार्यक्रम हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसकी हमने काफ़ी योजना बनाई है। उसमें हमने टीम्स बनाई हैं, जो हमारी PSC ज़्यादा अफेक्टेड हैं उनके लिए सभी जगह स्क्रीनिंग करने का प्रोग्राम बनाया है, और रैपिड स्क्रीनिंग किट्स जो हैं वो हमने अपने आशा वर्कर्स को मुहैया कराई है कि वो घर पे जाके ही टेस्ट कर सकते हैं। पहले जिसको बुखार होता था वो अस्पताल तक आता नहीं था, लैब तक आता नहीं था, पता नहीं लगता था कि उसको मलेरिया हुआ है या नहीं हुआ है और कौन सा हुआ है, RV है या RF है। तो अब ये किट ये है रैपिड, वहीं पर 10 मिनट में वो घर पे जाके टेस्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये मलेरिया है, और वहीं पर ही उनको दवाई दी जा सकती है कि वहीं पर उनको दवाई देंगे। हमें वहाँ पर जो मच्छरदानियाँ हैं, स्पेशल ये किट हैं, नेट हैं, जो मेडिकेटेड हैं, अगर मच्छर इनके संपर्क में आएगा तो वो मच्छर मर भी जाएगा और लोगों को भी उससे बचाएगा। लगभग 2,00,000 मच्छरदानियाँ हम उस जो मोस्ट अफेक्टेड हमारा इलाका है उसमें हम ये लगाएंगे, और पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे ताकि लोग जहाँ जहाँ पर पानी इकट्ठा है या जहाँ जहाँ पर ये इसका लार्वा होता है उनको रोकने के लिए ये काम करें। सारे बाकी एजेंसियाँ भी मिलकर काम करेंगी, लोकल बॉडीज़ भी इसमें मिलकर काम करेंगी, और इसमें जो स्प्रे वगैरह का है उसके लिए भी हमने प्रोग्राम बनाया है। हमने टारगेट रखा है कि मेवात को मलेरिया मुक्त करें।